साथियों आज जब भारत आजादी के पचहत्तर साल बना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो वो आने वाले पच्चीस साल यानी आजादी के सौवे वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है किस ऊंचाई को प्राप्त करना है विश्व में हमारी झंडा कहा, कहां कैसे कैसे गाड़ना है आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है आजादी का यह अमृतकाल भारत की समृद्धि का संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है दोस्तों मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं ये संकल्प आप में बहुत बड़े हैं लेकिन साथियों मेरा जो लालन पालन हुआ है मुझे जो संस्कार मिले हैं जिन जिन लोगों ने मुझे घड़ा है उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है मुझे मक्खन पर लकीर करने में मज़ा नहीं आता है मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ लेकिन साथियों सवाल मोदी का नहीं है आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं आत्मविश्वास 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास 130 करोड़ संकल्प 130 करोड़ सपने और ये 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा दोस्तों हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे आज भारत अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति अपनी संस्थाओं के अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके आंख में आंख मिलाकर के हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है ये परिवर्तन आया आज मुझे यहां आने से पहले भारत की महानताओं से प्रभावित कुछ लोग जो अपना जीवन खपा रहे हैं ऐसे लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला और बड़े गर्व से वो कह रहे थे योग की बातें वो योग को समर्पित है जापान में भी शायद ही कोई होगा जिसको योग की कल्पना न हो हमारा आयुर्वेद हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आजकल तो हमारे मसाले सब दूर उसकी मांग बढ़ रही है लोग हमारी हल्दी मंगवा रहे इतना ही नहीं साथियों हमारी खादी वरना तो आजादी के बाद धीरे 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 वो नेताओं के कॉस्ट्यूम बनकर के रह गई थी आज उसका आज पुनर्जीवन हो गया है खादी ग्लोबल बन रही है जी यही तो भारत की बदलती हुई तस्वीर है दोस्तों आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है उतना ही टैक लेड साइंस लेड इनोवेशन लेड टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है